हेलो स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपके सामने में चैप्टर नंबर 19 की बात कर रहा हूँ, जिसमें विवेकानंद जी ने स्त्रियों एवं सर्वसाधारण की शिक्षा की बातें बताई हैं। इनके बारे में उनका क्या विचार है? तो वो कहते हैं कि जिनकी माताएं शिक्षित और नीति पारायण हैं, उनके घर में बड़े लोग जन्म लेते हैं। वर्तमान दशा से स्त्रियों का प्रथम उद्धार करना होगा, सर्वसाधारण को जगाना होगा, तभी तो भारत का कल्याण होगा। इसीलिए इतना समझा करके तुम लोगों को लड़कियों के लिए गांव-गांव में पाठशालाएं खोलकर उन्हें शिक्षित बनाने के लिए कहता हूँ। स्त्रियां जब तक शिक्षित होती होंगी, तभी तो उनकी संतानों द्वारा देश का मुख उज्जवल होगा और हमारे देश में विद्या, ज्ञान, शक्ति, भक्ति जाग उठेगी। हमें नारियों की ऐसी स्थिति में पहुंचा देना चाहिए, महिलाओं को ऐसी स्थिति में पहुंचा देना चाहिए जहां वे अपनी समस्या को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सकें। उनके लिए यह काम न कोई कर सकता है, न किसी को करना चाहिए, और हमारी भारतीय नारियां संसार के अन्य किसी भी नारियों की भांति इसे करने की क्षमता रखती हैं। धर्म, शिल्प, विज्ञान, गृह कार्य, भोजन बनाना, सीना, शरीर पालन आदि सब विषयों में मोटी मोटी बातें सिखलाना उचित हैं। नाटक और उपन्यास तो उनके पास तक नहीं पहुंचने चाहिए। छात्राओं के सामने में आदर्श नारी चरित्र सदा सर्वदा रखकर त्याग रूप व्रत में उसका अनुराग उत्पन्न कराना चाहिए। सीता, सावित्री, दमयंत्री, लीलावती, खना, मीराबाई आदि के जीवन चरित्र कुमारियों को समझा करके अपना जीवन वैसा बनाने का उपदेश देना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होने पर स्त्रियां अपनी समस्याएं स्वयं हल कर लेंगी। अब तक तो उन्हें केवल असहाय अवस्था में दूसरों पर आश्रित हो जीवन यापन करना और थोड़ी सी भी अनिष्ट या संकट की आशंका होने पर आंसू बहाना ही सीखा है, पर अब दूसरी बातों के साथ साथ उन्हें बहादुर भी बनना चाहिए। आज के जमाने में उनके लिए आत्मरक्षा करना सीखना भी बहुत जरूरी हो गया है। देखो कि झांसी की रानी कैसे महान थी। जिस जाति की जनता में विद्या बुद्धि का जितना ही अधिक प्रचार है, वह जाति उतनी ही उन्नत है, विकसित है। यदि निम्न श्रेणी के लोगों को शिक्षा दे सको तो कार्य हो सकता है। ज्ञान बल से बढ़कर के और क्या बल बात है, और कौन सा बल है? क्या उन्हें शिक्षित बना सकते हो? बड़े आदमियों ने अब किस देश में किसका उपचार किया है, किसका उपकार किया है? सभी देशों में मध्यम वर्गीय लोगों ने ही महान कार्य किए हैं। बौद्धिकता पर कुछ संस्कृत लोगों का ही एकाधिकार नहीं रहना चाहिए, यह ऊपर से नीचे के वर्गों में फैलाई जाएगी। शिक्षा आ रही है और इसके बाद अनिवार्य शिक्षा आएगी। हमारे लोगों में कार्य कर सकने की जो महान क्षमता है, उसका उपयोग किया जाएगा। अपने निम्न वर्ग के लोगों के प्रति हमारा एकमात्र कर्तव्य है उनको शिक्षा देना, उसमें उनकी खोई हुई जातीय विशेषता का विकास करना। उनसे तरह तरह के विचार पैदा करने होंगे। उनके चारों ओर दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, इस संबंध में उनकी आँखें खोल देनी होंगी। उसके बाद बाकी का काम वो स्वयं कर लेंगे। भारत के इन दीनहीन लोगों को, इन पद दलित जाति के लोगों को उनका अपना वास्तविक रूप समझा देना परम आवश्यक है। जात पात का भेद छोड़ करके, कमजोर और मजबूत का विचार छोड़ करके, हर एक स्त्री को, प्रत्येक बालक बालिका को यह संदेश सुनाओ कि ऊंच नीच, अमीर गरीब और बड़े छोटे सभी से उसी एक अनंत आत्मा का निवास है जो सर्वव्यापी है। इसलिए सभी लोग महान तथा सभी लोग साधु हो सकते हैं। आओ हम प्रत्येक व्यक्ति में घोषित करें कि उठो, जागो, और जब तक तक तुम अपने अंतिम ध्येय, अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, तब तक चैन से न बैठो। इसके साथ ही ये चैप्टर नंबर 19 खत्म होता है। मैं आपसे एक बार फिर से याद दिलाऊंगा कि आप मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।